पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आदर्शी हमारा ये बलिदान प्रीति बोझ प्रभु बोझ महान कर संबन ये कृपा से आप लोगों की आज्ञा से आवश्यक यह नहीं।
क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। साथ रहे हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम दुर्बलों को शक्तिशाली बना दी कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा। प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। ये सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। साथ रहे हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है।
हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा। पावन महिमामय शक्तिमान और अमरेश्वर तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ऐ सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। जो लोग ईसा मसीह के संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रहा, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्राप्त करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता को कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप ईश्वर की वासनाओं से नहीं शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य ने मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है, जिससे ईसा को मृतकों में से जिलाया। यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हल्लेलुया हर्ष मनाई
खड़े होकर ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुनें। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संदियों द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है, और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है, वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवन हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय।